ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पावर सेट पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ सवाल करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई वेदर गिवन सेट इज एम्प्टी और नॉन एम्प्टी और सिंगलेटन सेट, ठीक है। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा सेट एम्प्टी सेट है, कौन सा नॉन एम्प्टी है और कौन सा सिंगलेटन सेट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो हम लोगों ने इनकी परिभाषाएं पढ़ी थी, डेफिनेशंस पढ़ी थी, थोड़ा उसके बारे में हम लोग एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। एम्प्टी सेट क्या था? एम्प्टी सेट वो सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होते हैं, ठीक। और एम्प्टी सेट को हम लोग इस ब्रैकेट से दिखाते थे या हम फाई से इसे रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। सिंगलेटन सेट क्या होता है? सिंगलेटन सेट वो सेट जिसमें सिर्फ एक और एक ही एलिमेंट हो, ठीक, जैसे ये, ठीक है। एम्प्टी सेट वो सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, जैसे ये, इसको हम इस ब्रैकेट से शो करते हैं या फिर फाई से दिखाते हैं, ठीक है। और सिंगलेटन सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा, वो सेट आपका सिंगलेटन सेट कहलाएगा, ठीक है। नॉन एम्प्टी सेट क्या होगा? नॉन एम्प्टी जो सेट एम्प्टी नहीं है, सिंगलेटन सेट भी नॉन एम्प्टी सेट ही है क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे सेट भी होंगे जो ना तो एम्प्टी सेट होंगे और ना ही सिंगलेटन सेट होंगे, तो वो क्या होंगे? नॉन एम्प्टी सेट होंगे, जैसे, ठीक है, ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये सिंगलेटन सेट भी नहीं है, ये है आपका नॉन एम्प्टी सेट। तो जो सेट आपका सिंगलेटन सेट होगा वो नॉन एम्प्टी सेट ही होगा, लेकिन जो नॉन एम्प्टी सेट होगा ये ज़रूरी नहीं कि वो सिंगलेटन सेट हो, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, ए आपका दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है, एक्स इज सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज ए रेशनल नंबर, ठीक। रेशनल नंबर हम लोगों ने पढ़ा था, रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू के रूप में होती है, ठीक है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होती है, वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दी है, हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू थ्री, और दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो एक्स बराबर आपका आ जाएगा प्लस माइनस रूट थ्री, ठीक है। देखिए रूट थ्री इरेशनल नंबर थी और यहाँ पे प्लस माइनस है, यानी कि प्लस रूट थ्री इरेशनल नंबर होगी और माइनस रूट थ्री भी इरेशनल नंबर होगी, ओके। तो यहाँ पे लेकिन क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि x इज इरेशनल, लेकिन x की वैल्यू आ रही है इरेशनल, ठीक है। ये आपका हो गया इरेशनल, ठीक। तो इसका मतलब x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो कि रेशनल होंगी, तो ये सेट आपका एम्प्टी सेट होगा क्योंकि x की कोई वैल्यू ऐसी नहीं है कि हम रेशनल ले लें तो इस सेट में हम रख सकें, ठीक है। यहाँ पे a सेट आपका एम्प्टी सेट होगा, ठीक है, क्योंकि x की कोई भी वैल्यू रेशनल नहीं है, दो वैल्यू हैं और दोनों ही वैल्यू इरेशनल हैं, ठीक है। तो ये आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक्स इज सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 एंड एक्स इज एन ऑड नंबर, ठीक है, एक्स इज एन ऑड नंबर। तो यहां पे देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है एक्स के बराबर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, ओके। तो हम लोग इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक्स बराबर आपका आ जाएगा प्लस माइनस 5 का स्क्वायर रूट है, 25 का स्क्वायर रूट आपका 5 होता है, तो प्लस माइनस दोनों रूट हो जाएंगे, ठीक है। सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हम इसको लिखना चाहें ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इक्वल टू 0, तो हम इसे लिख सकते हैं x प्लस 5, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी
इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो x प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, दैट इम्प्लाइज इफ x प्लस फाइव इक्वल टू जीरो दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू माइनस फाइव, और अगर x माइनस फाइव इक्वल टू जीरो ले लिया जाए तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा फाइव, यानी कि यहाँ पे x की दो वैल्यू आ गई, प्लस माइनस फाइव। ओके, तो प्लस माइनस फाइव है और फाइव एक ऑड संख्या है, ठीक है। फाइव एक ऑड संख्या है, प्लस फाइव भी ऑड संख्या है, ऑड नंबर है, और माइनस फाइव भी ऑड नंबर है। प्लस फाइव पॉजिटिव ऑड नंबर है एंड माइनस फाइव निगेटिव ऑड नंबर है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा कि x इज एन ऑड नंबर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यानी कि ए सेट में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, ये दोनों ही एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि प्लस फाइव भी ऑड नंबर है और माइनस फाइव भी ऑड नंबर है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा फाइव कॉमा माइनस फाइव। तो देखिए, ये एम्प्टी सेट तो नहीं है, ठीक है, लेकिन ये सिंगलेटन सेट भी नहीं है। सिंगलेटन सेट में एक एलिमेंट होता है, ये सिंगलेटन सेट नहीं है, एम्प्टी सेट नहीं है। तो फिर कौन सा सेट होगा आपका? नॉन एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। तो दिस सेट इज नॉन एम्प्टी सेट, क्लियर, आगे समझ में, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा आप लोग इसकी डेफिनेशन अगर याद रखेंगे तो सवाल टफ नहीं है, ठीक है। इन सभी सेट्स की आप डेफिनेशन, जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया है, बेसिक पढ़ाया है, उस पर आप गौर करेंगे। अगर आप उसको ढंग से पढ़ रहे हैं तो इन क्वेश्चंस में आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है, ठीक है। लेकिन अगर आपने डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े हुए हैं तो फिर ये क्वेश्चन करने में आपको थोड़ी परेशानी आएगी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है ए इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू नाइन एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक। ये एन आपका नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे इक्वेशन आपको दी हुई है एक्स स्क्वायर इक्वल टू नाइन, ठीक है। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स इक्वल टू आपका आ जाएगा नाइन का स्क्वायर रूट थ्री होता है, तो ये एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी प्लस माइनस थ्री, ठीक। बट यहाँ पे दिया हुआ है एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ पे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिया हुआ है, और नेचुरल नंबर आपका कौन सा सेट होता है? n इक्वल टू आपका क्या होता है? वन टू थ्री डैश 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 इनफाइनाइट, ठीक। तो इस नेचुरल नंबर के सेट में देखिए माइनस थ्री तो कहीं नहीं है, ठीक है। माइनस थ्री तो है नहीं, तो प्लस थ्री आपका मान्य हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग ले लेंगे x की वैल्यू थ्री, तो a सेट में कौन सी वैल्यू आएगी? सिर्फ थ्री आएगी, ठीक है। तो इसमें देखिए, इस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है, तो ये सेट आपका सिंगलेटन सेट हो जाएगा। ओके, सिंगलेटन सेट, सिंगलेटन सेट को हिंदी में हम लोग कहते हैं एकल समुच्चय, ठीक है। एम्प्टी सेट को हम लोग कहते हैं रिक्त समुच्चय, ठीक, और सिंगलेटन सेट को हम लोग कहते हैं एकल समुच्चय, ठीक है, रिक्त समुच्चय और एकल, इसको कहेंगे एकल समुच्चय, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया थर्ड, एक्स स्क्वायर इक्वल टू नाइन एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ए में सिर्फ तीन आया, यानी कि सिर्फ एक एलिमेंट, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग यहाँ पे सिंगलेटन सेट, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं यहाँ करके। फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ए इज इक्वल्स टू एक्स इज सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू, और आपको ये दिया है एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, आर यहाँ पे रियल नंबर है। तो हमें ये पता है कि माइनस संख्याओं का हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, ठीक। ले सकते हैं तो वो आपको इमेजनरी नंबर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू है, अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स इक्वल टू आपका आ जाएगा अंडर रूट के अंदर माइनस टू प्लस माइनस, ठीक है। तो ये आपका इमेजनरी संख्या होगी, इमेजनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या होगी, दैट इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू इमेजनरी नंबर। और जब ये एक इमेजनरी नंबर होगी तो वो रियल नंबर नहीं होगी, ठीक है।
इमेजिनरी नंबर का मतलब हो गया आपका काल्पनिक संख्या, ठीक है। तो यानी कि x यहाँ पे जो x की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर माइनस टू, ये r को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो सेट A होगा वो एक एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। इसमें दोनों ही वैल्यू इमेजनरी होंगी, वैसे इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस रूट टू आई, आई जहाँ पे आयोटा है और आई इक्वल टू आपका होता है अंडर रूट के अंदर माइनस वन। तो x यहाँ पे एक इमेजनरी नंबर निकल रही है, और जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो a में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, दिस दैट इज एम्प्टी सेट, ओके ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका सेट हो जाएगा एम्प्टी सेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है फिफ्थ क्वेश्चन में a इक्वल टू एक्स इज सच दैट x की वैल्यू 5 से बड़ी है और 6 से छोटी है एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। x की वैल्यू 5 से बड़ी और 6 से छोटी, ठीक है, और x बिलोंग्स टू यहाँ पे आपको दिया है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के सेट में कौन से एलिमेंट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ... इनफाइनाइट, ठीक है। जरा गौर से देखिए, यहाँ पे नेचुरल नंबर में 5 से बड़ा और 6 से छोटा कोई भी डिजिट नहीं होता, इसलिए यहाँ पे x की वैल्यू कोई नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ... इनफाइनाइट होता है, यानी x की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो 5 और 6 के बीच में हो, ठीक है। 5 से बड़ी और 6 से छोटी कोई संख्या नहीं होगी जो n में होगी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे a सेट आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा, दैट इज ए 5, क्लियर, ठीक। ये आपका एक एम्प्टी सेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। सिक्स क्वेश्चन कह रहा है, ए आपको सेट दिया हुआ है एक्स इज सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6 = 0, ठीक है, एंड एक्स बिलोंग्स टू जेड। जेड यहाँ पे एक इंटीजर को शो कर रहा है, जेड आपका इंटीजर का सेट है, तो यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6 = 0। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, फैक्टर करते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 6 के ऐसे ही फैक्टर जिनका सम यानी कि योग 5 हो, तो 3 और 2, तो हम इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x - 2x + 6 = 0, दैट इम्प्लाइज x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन x माइनस 3 = 0, यानी कि x माइनस 3 x माइनस 2 = 0। इफ x माइनस 3 = 0, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 3। इफ x माइनस 2 = 0, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 2। यहाँ पे x की दो वैल्यू आ गई, 3 और 2, ठीक है, और यह 3 भी इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है, दैट इम्प्लाइज 3, 2 बिलोंग्स टू जेड। जेड क्या होता है, जेड आपका इंटीजर का सेट होता है माइनस इनफाइनाइट -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ... इनफाइनाइट, ये सेट होता है आपका जेड, यानी कि इंटीजर का सेट। और देखिए इस सेट में 3 भी है और 2 भी है, मतलब 2 और 3 दोनों ही हैं। तो यहाँ पे जो ए सेट होगा उसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, दैट इम्प्लाइज यहाँ पे ए आ जाएगा आपका 2, 3। तो ना तो ये एम्प्टी सेट हुआ और ना ही ये सिंगलेटन सेट हुआ, तो ये आपका आ गया नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। इसको हम नॉन एम्प्टी सेट कहेंगे क्योंकि सिंगलेटन सेट भी नहीं है और एम्प्टी सेट भी नहीं है, ठीक। तो ये पॉइंट समझ में आ गए, ये क्वेश्चन क्लियर हो गए। चलिए
आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरवल्स, ठीक है। इंटरवल्स क्या होते हैं? इंटरवल एज सबसेट्स ऑफ आर, आर मतलब रियल नंबर, ठीक है। तो पहला इंटरवल आपका आ रहा है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, चलिए देखते हैं। लेट ए एंड बी टू गिवन रियल नंबर्स, टू गिवन रियल नंबर्स सच दैट such that a less than b, then a less than b, then the set of all real numbers x such that x a से बड़ा और बराबर और b से छोटा और बराबर, ठीक है, और ये इक्वलिटी हो जाएगी, इज कॉल्ड अ क्लोज इंटरवल, इज कॉल्ड अ क्लोज इंटरवल, ठीक। एंड इज डिनोटेड बाय this. इस ब्रैकेट से, बड़े ब्रैकेट से इसको दिखाते हैं, और ए जो कम वाला एलिमेंट होगा वो लेफ्ट में, और जो ज़्यादा वाला एलिमेंट होगा वो राइट में होगा, ठीक है। दैट इम्प्लाइज, अगर उसको डिफाइन करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, ए कॉमा बी दैट इज क्लोज इंटरवल, ठीक है, इक्वल टू एक्स इज सच दैट, ठीक है, एक्स इज सच दैट एक्स की वैल्यू ए से बड़ी बी से छोटी और ए और बी दोनों के बराबर, ठीक है, कॉमा एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक, ओके, ठीक। अगर हम इसमें एक रियल लाइन खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ठीक, तो ये मान लेते हैं ए है और ये मान लेते हैं बी है, दैट इज अ रियल लाइन, ठीक, ये बी है, क्योंकि ए और बी दोनों के बराबर है और ए और बी के बीच की सभी वैल्यूज, तो क्योंकि बराबर है ए और बी के, तो हम यहाँ पे डॉट लगा देंगे और इस लाइन को थोड़ा हम डार्क कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, जिससे ये प्रेजेंट होगा कि ए और बी की बीच की सारी वैल्यूज, और ए और बी पे डॉट लगाने का मतलब ये हो जाएगा कि ए और बी भी इन्वॉल्व हैं वैल्यूज़ में, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे लाइन खींच देते हैं और यहाँ पे भी ऐसे डॉट लगा देंगे ये पूरा, ठीक है। तो इससे ये शो हो जाएगा कि एक्स की वैल्यू ए और बी भी है और ए और बी के बीच सभी वैल्यू भी, सभी रियल नंबर्स, सभी वास्तविक संख्याएं भी इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं माइनस वन से टू, तो इसका मतलब हो जाएगा एक्स इज सच दैट एक्स की वैल्यू माइनस वन से बड़ी और बराबर और दो से बड़ी छोटी और बराबर, वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। अब अगर हम एक रियल लाइन ड्रॉ करें जैसे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ठीक, तो माइनस वन से टू की बात हो रही है, तो यहाँ पे जीरो होगा, ये माइनस वन और ये वन और ये आपका टू, ठीक। तो माइनस वन से टू तक हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे दिस, और दो पे एक डॉट लगा देंगे डार्क, और माइनस वन पे भी एक डार्क
डॉट लगा देंगे, ठीक है। तो ये शो हो जाएगा कि एक्स की वैल्यू माइनस वन और टू भी है, और माइनस वन और टू के बीच की सारी वैल्यूज, सारी रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं भी एक्स के बराबर है, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए सेट माइनस वन कॉमा टू क्लोज इंटरवल दिस वैल्यूज आर, ठीक है। दीज वैल्यूज यानी कि माइनस वन से टू और माइनस वन और टू भी, ये सभी वैल्यूज माइनस वन कॉमा टू क्लोज इंटरवल में होंगी। ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग ओपन इंटरवल, सेकंड पॉइंट। ओपन इंटरवल सेम डेफिनेशन लिखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है खाली इसमें। लेट ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स, लेट ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स, लेट ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स सच दैट एक्स की वैल्यू ए से बड़ी और बी से छोटी। यहाँ पे एक्स की वैल्यू ए के बराबर नहीं होगी और बी के बराबर भी नहीं होगी, ठीक है। ओके, द सेट देन द सेट ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट लिख देते हैं, आर टू रियल नंबर सच दैट, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेते हैं ए लेस देन बी, ठीक है, ए बी से छोटा होना चाहिए, ए लेस देन मतलब ए लेस देन एक्स एंड एक्स लेस देन बी, देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्स, रियल नंबर एक्स सेटिस्फाइंग एक बार फिर से मैं इस पॉइंट को लिख देता हूं, सेटिस्फाइंग एक्स ए से बड़ा और बी से छोटा, ठीक है, इस कॉल्ड एन ओपन इंटरवल, इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल, इट इज डिनोटेड बाय ठीक है, इस छोटे ब्रैकेट से दिखाते हैं या हम उसको ऐसे दिखाएंगे, ठीक। तो इसको डिफाइन कर देते हैं, ए कॉमा बी इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स की वैल्यू ए से बड़ी और बी से छोटी कॉमा एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक। अगर एक रियल लाइन ड्रॉ करते हैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, जहाँ पे ये ए है और ये है बी, ठीक है, ये बी, तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक्स ए के बराबर नहीं है और बी के बराबर नहीं है, यानी ए इस सेट में नहीं होगा और इस सेट में बी भी नहीं होगा, तो हम लोग लास्ट क्लोज इंटरवल में हम लोगों ने यहाँ पे डॉट लगाया था, तो यहाँ पे हम लोग एक सर्किल बना देंगे छोटा सा, जिसे ये सो होगा कि ए और बी नहीं होगा इस सेट में, लेकिन ए और बी के बीच की, ए और बी के बीच की सारी वैल्यूज़ इस सेट में होंगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, वन कॉमा टू ओपन इंटरवल देन एक्स इज सच दैट एक्स की वैल्यू वन से बड़ी टू से छोटी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक रियल लाइन हम ड्रॉ करें माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ठीक है,
तो ये आपका होता है वन, ये आपका होता है दो। हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, दो पे एक सर्किल बना देंगे और वन पे एक सर्किल बना देंगे, तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि एक्स की वैल्यू वन और टू को छोड़कर, जो वन और टू के बीच में जितनी वैल्यूज़ हैं वो सारी इस सेट में हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए। अब आता है आपका थर्ड, सेमी ओपन, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। चलिए, इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स, आर टू रियल नंबर्स सच दैट ए लेस देन बी, ठीक है, देन द सेट, देन द सेट का मतलब ये हो जाएगा एक्स इज दैट, एक्स की वैल्यू ए से बड़ी होगी और बी से छोटी भी होगी और बी के बराबर भी होगी, ठीक है, जो ये साइन बना हुआ है। ओके ओके, तो कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एंड एंड अगर इस तरह से बनता है एक्स इज दैट, एक्स की वैल्यू ए से बड़ी होगी और बराबर भी होगी, लेकिन बी से छोटी होगी पर बी के बराबर नहीं होगी, ठीक, एंड एक्स बिलोंग्स टू आर, क्लियर। देखिए यहाँ पे इस तरफ ओपन है, ये क्लोज है, तो जिस तरफ ओपन होगा एक्स उसके इक्वल में नहीं आएगा, क्लोज का साइन होगा जो बड़ा ब्रैकेट होगा उसके बराबर में आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी देखिए, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा है, यहाँ पे छोटा ब्रैकेट लगा है, तो x की वैल्यू a के बराबर हो जाएगी लेकिन b के बराबर नहीं होगी, ठीक। तो इसको हम कहेंगे आर नोन एज, आर नोन एज सेमी क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड इंटरवल्स या सेमी ओपन इंटरवल्स, ठीक है, सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल, क्लियर। ओके, हम इनको एक और तरीके से भी दिखा सकते हैं, ठीक है, जैसे दिस ए कॉमा बी, ये छोटा ब्रैकेट, ये आपका बड़ा ब्रैकेट, ठीक, एंड आर आल्सो डिनोटेड बाय, आर ऑल्सो डिनोटेड बाई, डिनोटेड बाई क्लियर, एंड रिस्पेक्टिवली, क्लियर हो गया, ठीक। ओके, अब जैसे इसकी हमें रियल लाइन में अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहते हैं, जैसे दिस, ठीक है, तो रियल लाइन में अगर हम ड्रॉ करेंगे तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये मान लिया ए है, ये मान लिया बी है, यहाँ पे ए के बराबर नहीं होगा तो ए पे हम सर्किल बना देंगे और बी के बराबर होगा तो ए बी में हम डॉट लगा देंगे, ये देखिए, समझ आ गया। और अगर हमें इस सेट को दिखाना है तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये आपका ए है, ये आपका बी है, यहाँ पे बी के बराबर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगा है और ये वाला ब्रैकेट ये शो करता है कि वो ए के बराबर होगा, तो बी के बराबर नहीं होगा तो यहाँ एक सर्किल लगा देंगे, यहाँ पे एक हम डॉट लगा देंगे, ठीक है, तो समझ में आ गया।
ओके ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसको आप देखिएगा ढंग से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके ठीक है, तो ओके।